हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका गौरव सिंह फिटनेस के अंदर। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 3 लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों एक राइट ब्रांड चूज करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं देन फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डेली इन्फॉर्मेशन देता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग अलग हेल्थ टिप्स के बारे में। ये सभी सप्लीमेंट्स आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपको आपकी डाइट से वो राइट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। कितने mg को लेना है, कितना डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, वो है 1000 mg। जो लोग वर्कआउट बहुत कम करते हैं और 2000 mg जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं। बात करते हैं ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या क्या लेने से। हार्ट हेल्थ, यानी आपके हार्ट को हेल्थी बनाता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल, BP प्रॉब्लम, इन सब को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। जॉइंट पेन, जॉइंट पेन लाइक अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, नी पेन में काफ़ी हेल्प करता है। स्पेशली 50 प्लस एज के लोगों के लिए जॉइंट पेन में जो प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओमेगा 3 अगर वो कंज्यूम करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट वो यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास ब्रेन हेल्थ, यानी कि अगर आप अपने ब्रेन के हेल्थ को बूस्टअप करना चाहते हैं या उसकी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो ओमेगा 3 आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा 3 में है DHA पाया जाता है जो ह्यूमन सेल्स डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है, जो ब्रेन एंड मेमोरी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। चाहे वो 12 साल का बच्चा क्यों ना हो, 12 साल के बच्चे से लेकर ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन सबका माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और इसको लेने के बाद उनका माइंड शार्प होगा, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और उन कंसंट्रेशन लेवल बूस्ट होगा जिससे उनकी स्टडी में भी उनको हेल्प मिलेगी। स्किन एंड हेयर, ओमेगा 3 ना केवल आपके स्किन में हेल्प करता है, इनफैक्ट आपके हेयर स्कैल्प को भी ठीक करने में हेल्प करता है। चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, या आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आप अपने वेट लॉस को भी रिड्यूस कर पाएंगे इससे। इसके साथ ही साथ ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी की बात अगर बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर एक वुमन फिश ऑयल लेना कंज्यूम करती है सो इससे बच्चे की माइंड डेवलपमेंट होती है स्टोमक के अंदर ही, और इसको यूज़ करने से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। थायराइड फंक्शन की अगर बात करें, थायराइड के पेशेंट को भी काफ़ी हेल्प करता है उनके इन्फ्लेमेशन में, ताकि वो अपने सूजन से छुटकारा पा सकें, उनको जो दर्द हो रहा है उनसे वो छुटकारा पा सकें, और साथ ही साथ जो ब्लड निकलता है इस कंडीशन के अंदर वो उन चीज़ों से भी अपने आप को सेव कर सकें। 6, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करता है और गट को कैसे हेल्प करता है। गट को क्लीन करता है इम्यून सिस्टम, इसलिए आपका स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इसमें रहता है एंटीऑक्सीडेंट, आपके बॉडी में जाकर फ्री रेडिकल से हुए डैमेज को रिस्टोर करता है, और जो भी बीमारी या इल जल्दी से ठीक नहीं होती है उनको जल्दी से ठीक करने का काम करता है, क्योंकि आपका ब्रेन एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी वो उस चीज़ को जल्दी ठीक कर देगा। बट कोई न्यू वायरस, कोई न्यू बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको ठीक करने में उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, ताकि जब तक वो उसको रेक्टिफाई ना कर सके, आइडेंटिफाई ना कर सके कि ये कौन सा डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है, तब तक आपके जो ड्यूरेशन रहेगा इलनेस का वो इंक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न रहता है किसी किसी का बुखार एक दिन में ठीक हो जाता है और किसी किसी का बुखार 10 दिन के अंदर भी ठीक नहीं हो पाता है। रीज़न बिहाइंड कि आपका माइंड एक लाइब्रेरी की तरह वर्क करेगा और उसको ढूंढेगा कि वो बीमारी कौन सी है, जब तक वो रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा तो आपका डिजीज़ ठीक नहीं हो पाएगा। सो इस चीज़ में अगर आप उसको हेल्प करना चाहते हैं या उसकी इन्वेस्टिगेशन को और बूस्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओमेगा 3 लेना ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हेल्थ की अगर बात करें, ओमेगा 3 आई हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। ये ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, कलर ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट और आई रिलेटेड प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करता है। यानी कि अगर आपको आँखों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपकी आई साइड वीक है तो उस केस में भी आप ओमेगा 3 कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी आई विजन को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। बोन हेल्थ की अगर बात करें, ओमेगा 3 आपके बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। यंग एज में तो इतना पता नहीं लगता, बट जैसे जैसे पर्सन 30 प्लस की एज को क्रॉस करना स्टार्ट करता है उसको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम और वुमेन्स को बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग,
स्लीप क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं रहती है, मूड खराब रहता है, डिप्रेशन में रहता है पर्सन, इन सब में हेल्प करता है ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री ना केवल आपकी पूरी बॉडी की टेक केयर करता है, इसके साथ ही साथ ओमेगा थ्री आपकी बॉडी को एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराने का काम भी करता है। अगर आप किसी मार्केट में लोकल ओमेगा थ्री फिश ऑयल को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल, और वो एक तो स्मॉल होती है और साथ साथ उसमें बर्प आती है, मतलब कि आपको उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है, जिसको जैसी आप कंज्यूम करेंगे आपको अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आपको जब भी अगर कोई चीज़ कंज्यूम करनी है तो आपको मार्केट से नहीं, एक बेस्ट क्वालिटी ब्रांड को चूज़ करना है। और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि कौन सा ब्रांड आपको चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और उस वीडियो का टाइटल है डिफरेंस बिटवीन ट्राइप्लेक्स फिश ऑयल वर्सेस आर्टिक सी फिश ऑयल। सो इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से कौन सा फिश ऑयल आपके लिए बेस्ट है, कहाँ से मिला है, कौन से रीजन से बना है, क्योंकि अगर आप फिश ऑयल को पिक कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि फ़िश ऑयल की कल्टिवेशन कहाँ पे हुई, कहाँ से उसको लिया जा रहा है, कहाँ से वो बना जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो अपने घर के तालाब में 5-6 मछलियाँ पैदा करने के बाद भी वहाँ से भी बना सकते हैं, कुछ फार्मिंग भी करते हैं, बट जो फिश खुले वातावरण के अंदर रहेगी उसकी नेचुरल प्योरिटी अलग होगी, और जो आप कल्टीवेट करेंगे या पालेंगे उनकी कल्टीवेशन अलग होगी, और उनसे जो फिश ऑयल बनेगा उसकी प्योरिटी और उसकी प्योरिटी में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। सो आपको यही फोकस करना है कि बेस्ट क्वालिटी अगर आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपकी फैमिली का सवाल है, ना केवल आप कंज्यूम करेंगे, आपकी पूरी एंटायर फैमिली यूज़ करेगी। सो आप बेस्ट ब्रांड को चूज़ करिए, और कुछ बेस्ट ब्रांड के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा जिसके थ्रू आप उनको पिक कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और ओमेगा थ्री के बारे में आपने आज बहुत सारी बातें जानी होंगी कि किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट है। इस वीडियो को आप उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे कि हर्ट हेल्थ, जॉइंट पेन, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, हेयर में कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड में, इम्यून सिस्टम उनका वीक है, आई साइट उनकी वीक है, या उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उन सभी लोगों से इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो ना केवल आप अपनी फैमिली के लिए, बाकी फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर सकेंगे। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करें और एक सही ओमेगा थ्री को चूज़ नहीं कर पा रहे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।